Lord is such a other one. Go, attention, mother. Thank you. They get back from Nisa. Once they meet the Irish voting, go to Irish government, then that can say you vote. Yeah, much belay. माजेल कंडीशन दवा था हमारे पहुंचा वाले मगर बदराज से अब सिद्ध बोलूं मियों हाल चुका है जो लोगों का इस इलेक्शन के तहत रवैया है मुझे लगता है लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे इसका। सियासी जमातें इसको कैसे देखते हैं कैसे कहेंगे वो लीडरों का अपना नज़रिया है। लोगों का ये है हमें राहत पहुँचेगी। अब लीडरों को पावर मिलता है नहीं मिलता है वो उस चीफ मिनिस्ट्री में कोई ताकत होगी नहीं होगी लोग चाहते हैं कि उनके अपने नुमाइंदे सामने आ जाए। सर तो ये बताइए अपनी पार्टी की क्या प्रिपरेशन है आज आप ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमारी क्या प्रिपरेशन है 4 साल हुए हैं पार्टी को तो हमारे लिए तो मौका है बेहतरीन लोगों के पास आना। और कहते हैं ना छोटे बच्चे का पेट बिल्कुल थोड़ा सा दूध भी दे दो उसको उससे भी भर जाता है तो हमें जितना देंगे लोग हमारा पेट उससे भी भर जाएगा। तो क्या क्या आपका मैनिफेस्टो भी आया अपने मैनिफेस्टो के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारे मैनिफेस्टो में मेन जो मानता हूँ मैं वो है जो जनरल एमनेस्टी का हम कहते हैं। दूसरा पावर का है जैसे सबका है। फिर 2 लाख जॉब्स के बारे में हमने कहा है डेली वेजर्स के बारे में हमने कहा है। हमने ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने की बात की है हमने मैरिज पेंशन बढ़ाने की बात की है हमने दरबार मूल वापस करने की बात की हमने स्टेटहुड वापस की बात की है। लेकिन प्रमुख जिसे मैं कहता हूँ प्रमुख है जो हम आम माफी का ऐलान कराएंगे। तो सर ये बताइए कि अभी आपका जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है कैसा रिएक्शन मिल रहा है आपको लोगों से। फर्स्ट क्लास मैं नहीं कहूँगा कि नहीं इट इज़ ऑल हॉन्की डोरी बट ठीक है लोग जानते हैं अल्ताफ़ बुखारी ने काम किया है लोग मानते हैं अल्ताफ़ बुखारी ने काम किया है लोग मानते हैं कि अल्ताफ़ बुखारी एक ईमानदार आदमी रिमाइंडर वैल्यू है सजेशंस भी होती है क्यों लोग ही असल सजेशन देते हैं। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी यू आर फाइटिंग फॉर सो हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज इलेक्शंस टू विन। दिस इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज टू गेट बैक आवर आइडेंटिटी दिस इज टू शो टू पीपल ऑफ इंडिया दैट वी बिलीव इन डेमोक्रेसी और वी हैव बीन रॉन्ग बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। This would be a clear message to BJP from Kashmiris that we do not like you, we do not approve of your actions, we do not want you to rule us. तो आप अगर पावर में आते तो आप स्टेटहुड के बारे में इंशाल्लाह जरूर करेंगे और हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लाना है हम लाएंगे। हम पहले भी उनसे ही लाया जो जमीनों का तहफ़ लाया नौकरियों का तहफ़ लाया या 3,000 लोगों को छुड़वाया। सर जैसे हमने देखा लोकसभा इलेक्शंस में लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया पार्टीज के लिए वोट किया तो आपको लगता है इस बार भी लोग मैं बताऊंगा लोकसभा इलेक्शन में अगर मुझे कहोगे तो किसी पार्टी ने नहीं जीता सब पार्टियां हार गई इंडिविजुअल्स ने जीता जो अपनी हैसियत में रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने जीता पॉलिटिकल पार्टीज ने हारा। आपने देखा बारामूला में 2 पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स लड़ रहे थे दोनों हार गए। साउथ में एक और पॉलिटिकल पार्टी की हेड वो हार गई। यहाँ श्रीनगर में अपनी पार्टी का वर्चुअल जिसे दिल कहते हैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारा था हार गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने हारा हम नहीं कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज ने जीता जीता यहाँ रिलीजियस लीडर्स हैं। मियाँ साहब एक रिलीजियस लीडर है एक सेक्ट के लीडर हैं उन्होंने उस यहाँ इन्होंने जीता हमारे रूला साहब ने रूला साहब एक सेक्ट के लीडर है। तो अभी तक आप पॉलिटिकल पार्टीज की हार और जीत ये इलेक्शन दिखाएगा। तो सर जो टैग लगा था ए टीम बी टीम सी टीम का आपको लगता है इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए मैं बताऊँगा अल्लाह का क्या करना होता है
मुझे कहते थे BETM, आज BJP मेरे खिलाफ लड़ रही है। BJP ने मेरे वाइस प्रेसिडेंट्स को लिया, मेरे कितने लोगों को लिया, वो पाउचिंग कर रहे हैं मेरे लोगों को, ले रहे हैं, हर पार्टी ले रही है। अगर मेरे साथ सब ये लोग BETM वाले ही थे तो फिर क्यों ले रहे हैं? सब पार्टियां ले रही है, PDP भरी पड़ी है फिर उन्हीं से। BJP में भी है, मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कोई जमात ऐसी नहीं है जिसने, क्यों? हमारे पास दरअसल हीरे थे लेकिन उनको पता नहीं है हीरे तराशने के लिए जवहरी चाहिए, जवहरी अल्ताफ बुखारी।